नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीजेपी ने एक बार फिर से एक एक्सपेरिमेंट किया है और सभी को चौंका दिया है। आपको मालूम है कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अब सम्राट चौधरी नहीं है, बल्कि बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल। और दिलीप जायसवाल ने आते ही कई सारे एक्शन भी ले लिए हैं, यानी के एक्शन मोड में अब दिखाई दे रहे हैं दिलीप जायसवाल। तो आज हम इसी सियासी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपको भी जी। तो यानी कि बिहार बीजेपी ने नया एक्सपेरिमेंट किया है और अब हमने देखा है कि बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल। इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? फैसला तो सम्राट चौधरी अध्यक्ष नहीं है, दिलीप जायसवाल जो बिहार विधान परिषद के मेंबर हैं, कोषाध्यक्ष भी रह चुके हैं, बिहार में एक मेडिकल कॉलेज के संचालक मालिक हैं, और वो न तो संगठन के लिए नए हैं, परिचित नाम चेहरा है, सीमांचल से आते हैं, वो अध्यक्ष बन गए हैं जी। तो अब देखिए, पार्टी में जो बीजेपी है ना, वहाँ रीति नीति है वो ये कि एक व्यक्ति एक पद। बिल्कुल। और आपने देखा कि जेपी नड्डा साहब जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जून में उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। तो कार्यकाल समाप्त होने के पहले जब नई सरकार बनी तो उसमें केंद्र में फिर वो मंत्री हैं, अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं, और अध्यक्ष का भी कोई नया अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन कोई ना कोई कार्यकारी अध्यक्ष दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना लगभग तय ही है। और अभी अब लोकसभा का, ये विधानसभा का चार तीन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो संभव हो कि अध्यक्ष को कंटिन्यू करें, इन कोई न कोई एक कार्यकारी अध्यक्ष ही बनाए जाएंगे जी, जी। अब बिहार की बात जो ही, जब बिहार में सम्राट चौधरी अध्यक्ष बनाए गए हुए, पार्टी विपक्ष में थी। बिल्कुल बिल्कुल। और नीतीश कुमार किस तरह से सम्राट चौधरी हमलावर रहते थे नीतीश कुमार पर, वो भी आपसे। देखिए, नीतीश कुमार के प्रति हमलावर होते थे सम्राट चौधरी, उनका ये गिवन टास्क था, इसलिए कि नीतीश कुमार को साइज अप करना था, लवकुश समीकरण था, तो कौन लीडर था वहाँ? एक तो बीजेपी में कुशवाहा लीडर की कमी, और कुशवाहा जाति में पार्टी का फैलाव करना, स्वीकारता बढ़ाना, ये चुनौती थी। तो सम्राट चौधरी सामने आए, सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया, और सम्राट चौधरी को मैं मानता हूँ कि 16 महीने के कार्यकाल में बतौर अध्यक्ष बखूबी बड़ा प्रभावकारी रोल किया, यानी कि अच्छा काम। हाँ, देखिए, मैं तो देखता था सम्राट चौधरी नीतीश कुमार पर जैसा हमला बोलते थे, मुरेठा तक बांध लिया, सीधे हमला बोलते थे, मतलब वो जो बीजेपी के वर्कर्स हैं उन्हें, और कुशवाहा समाज में एक जगी आस जग गई कि भाई एक चेहरा बीजेपी ने बढ़ाया है, तो कल होके पार्टी को यदि अवसर मिलेगा तो मुख्यमंत्री भी होंगे। आपको याद होगा कि जब आए थे सम्राट चौधरी, जब बिहार पहुंचे थे, उस वक्त कई नारे भी लगे थे कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, सम्राट चौधरी जैसा। बिल्कुल, देखिए, यहाँ बिहार में सतीश प्रसाद के बाद चंद दिन के लिए उन्होंने, सप्ताह भर के लिए हुए थे, उसके बाद कोई कुशवाहा जाति से सीएम नहीं हुआ, कोई बना पहली बार तो डीसीएम बना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने जी। अब सम्राट चौधरी ने, जो मैंने आपसे कहा कि बड़ा ही प्रभावकारी रोल किया, और उस समय गिवन टास्क था नीतीश कुमार पर हमला बोलना, साइज अप करना। हाँ, साइज अप करना, रोज उसी ढंग से उनके बयान आते थे, क्या कुछ नीतीश कुमार के बारे में बयान नहीं दिया सरकार के काम काज पर, जो एक विपक्ष की भूमिका होती है, परिषद में वो विपक्ष के नेता भी बने। अब ये संयोग हुआ, ऐसा कुछ बिहार में राजनीतिक उलट फिर हुआ कि जिसमें सम्राट चौधरी, एक बात तो और याद कीजिए, सम्राट चौधरी तो एक तरह से कहिए कि राजनीतिक कसम ठान रखी थी कि वह नीतीश कुमार को जब हम हटाएंगे तभी मुरेठा, हाँ, पगड़ी बांध ली थी उन्होंने जी, जी, जी। तो ये पगड़ी का भी एक तात्पर्य था, वो पगड़ी भी उनका एक ब्रांड हो गया था, बिल्कुल। और अब इसके बाद एक फिर राजनीतिक घटनाक्रम हुआ कि अब वो पगड़ी भी खुल गई, और नीतीश कुमार के उसी जिसको सीएम पद से हटा रहे थे, वो भले कहते हैं कि नहीं इस्तीफा तो दे दिए, अब वो राजद के साथ नहीं है, हमारे साथ जी, है जी, जी, तो वो अब डिप्टी सीएम है इसमें। जिस दिन डिप्टी सीएम बन गए सम्राट चौधरी, उसी दिन से ये चर्चा हो गई थी कि भाई अब सम्राट चौधरी दो दायित्व संभालेंगे नहीं,
तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं, पार्टी के विधानमंडल दल के नेता हैं। विजय मैंने दो व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाया इस बार, भी विजय सिन्हा भी हैं, सम्राट चौधरी, हाँ सम्राट चौधरी भी हैं। तो हुआ कि अब जब सम्राट चौधरी यदि डिप्टी सीएम बन गए तब तो उनको अध्यक्ष का पद छोड़ना ही होगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि हमारे लिए या जो जानकार राजनीति के समझ रखने वाले लोग उनके लिए चौंकाने वाली चीजें नहीं, अब था कि होगा कौन। बिल्कुल, कई नामों की चर्चा हो रही थी अरुण जी, लेकिन उस फेहरिस्त में दिलीप जायसवाल का नाम नहीं। हाँ, बिल्कुल सही आप कह रही हैं। अब उसमें हो रहा था कि कोई अति पिछड़ी जात का होगा, बिल्कुल, तो उसमें कई नाम जैसे संजीव चौरसिया का भी नाम चर्चा हो रही थी, अखबारों में मैंने देखा कि खबरें बनी। जी जी, अब ये बात सही है कि अचानक दिलीप जायसवाल की घोषणा हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, उस दिन यानी कि यहाँ पर तो बीजेपी ने सभी को छोड़ दिया। और उस दिन देखिए न सिर्फ बिहार का, उस दिन राजस्थान के भी बीजेपी अध्यक्ष बदले गए। और मुझे जो भरोसे की जानकारी थी कि फैसला तो दिन में हो गया था, और बिहार के कतपय बीजेपी नेताओं को मालूम भी हो गया था, मालूम भी हो गया था कि बड़ा परिवर्तन होने हुआ था कि घोषणा दूसरे दिन होगी। अच्छा, लेकिन राजस्थान में भी इसी ढंग से कुछ बातें ऐसी थी जिसके कारण वहाँ भी अध्यक्ष बदले गए। अब यहाँ सम्राट चौधरी की जगह दिलीप जायसवाल बन गए। देखिए, जिसको कद के हिसाब से या प्रभाव के हिसाब से, और अभी जो मैंने आपसे कहा कि बीजेपी को कुशवाहा जाति वोट पर साधना है, एक लक्ष्य है, तो उसके हिसाब से तो निश्चित रूप से सम्राट चौधरी भारी पड़ते हैं। इसलिए कि वैसे तो कोर वोटर्स हैं बीजेपी के। जी जी जी, हाँ, वो वोट में यदि दिलीप जायसवाल बने हैं तो वो एडिंग पॉइंट नहीं ना है, सपोर्टिंग पॉइंट है, एक तरह से कहिए। अब वो बैस जात से आते हैं, बैस तो कोर वोटर है बीजेपी का। रही बात की अब दिलीप जायसवाल के लिए भी एक चुनौती है, चुनावी साल है, चुनाव के साल में, और अभी बीजेपी ने घोषणा कर रखी है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़े 2025 का। और जो बीजेपी की सीटें जितनी है अभी असेंबली में, अभी 2020 के चुनाव में तो बीजेपी सच पूछे वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी न हो गई थी। जी, 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 और उसके बाद अब उस सीट को रिटेन करना बड़ी चुनौती है, बड़ा चैलेंज है। बहुमत को कामयाब, इधर देखिए कि फिर जो कुशवाहा जाति की बात आपने की, लालू प्रसाद ने इस बार कुछ चल गया लालू प्रसाद का कुशवाहा कार्ड, अब एक दबाव अलग था। अब उपेंद्र कुशवाहा भी भले साथ रहे, खुद उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। एक चीज हुआ कि 17 सीट के लिए जो बीजेपी लड़ी ना, एक उम्मीद थी कि उसमें कुछ सीटिंग गेटिंग की बजाय कुछ चेंज होंगे, और सम्राट चौधरी अध्यक्ष बने हैं तो कुछ सम्राट चौधरी के कारण एक दो कुशवाहा को ही टिकट मिलेगा। लोकसभा के चुनाव में बात करो, उसमें वो सफल नहीं हुए। अब वो 17 सीट के लिए लड़ी और 4 उनके सीटिंग सांसद में टिकट हुए थे बीजेपी के, उसमें नहीं हुआ। और जब वोट में भी भले ही उस हद तक कामयाब नहीं हुए जो उम्मीद थी, जो उम्मीद थी, लेकिन अभी तो सम्राट चौधरी के लिटमस टेस्ट बाकी ना है। जी, पार्टी के विधानमंडल दल के नेता हैं, और पार्टी की चुनावी नैया को बखूबी पार लगाना, जितनी सीटें उन्होंने जीती है विधानसभा के चुनाव में उतनी सीट कम से कम उसको तो रिटेन करना बड़ी चुनौती है। बड़ी चुनौती है, लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे अरुण जी कि हमने देखा कि बीते दिन जैसे ही दिल्ली से पटना लौटे दिलीप जायसवाल, पदभार ग्रहण भी किया, लेकिन उसके बाद हड़बड़ाहट में एक बार फिर से दिल्ली रवाना हो गए। ऐसा क्या हो गया था कि इतनी हड़बड़ी में अचानक से फिर दिल्ली लौट गए? नहीं देखिए, अभी पार्टी हाईकमान में कोई अध्यक्ष होता है ना, एक दायित्व मिलता है, अब कोई स्वतंत्र निर्णय कुछ नहीं लेता है। जिस पार्टी में हाईकमान है, अब यहाँ तो सब कमान है नीतीश कुमार अपनी पार्टी के, ऑल इन बल जिसको चाहे अध्यक्ष बना दिए, वन मैन आर्मी शो है, भले उनके पदाधिकारी नियुक्त करते हैं। बीजेपी में है कि अब हाईकमान है, और हाईकमान में वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष तो है ही, दो और कमान है, प्रधानमंत्री भी है, अमित शाह जी भी है, तो अभी यहाँ से गए। और अब उसके बाद अभी वहाँ चीफ मिनिस्टर्स, ऑल बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स की भी मीटिंग अभी गए हैं, जेपी नड्डा के साथ भी मीटिंग हुई। मीटिंग तो टीम बनानी है। जी जी, अब बिहार एक अभी चुनौती भराना, देखिए लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को 5 सीट का नुकसान हो गया है, बड़ा झटका लगा। हाँ, झटका है जी। और जो मैंने देखा कि लोकसभा के चुनाव में असेंबली सेगमेंट वाइज आप कहेंगे तो उसमें बीजेपी को झटका लगा है, जितने विधायक हैं उस हिसाब से
सीटें नहीं मिली हैं। जी, जी। तो बीजेपी को आने वाले चुनाव में एक चुनौती है, है। अब वो दिलीप जायसवाल पर पार्टी ने भरोसा किया है, तो सम्राट चौधरी के लिए वो लिटमस टेस्ट अभी बाकी है। विधानसभा के चुनाव में पार्टी को उस हिसाब से एक मजबूती रखना, ये तो चुनौती है ही। वही बात की अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, हाँ कार्यकर्ताओं को जो सहभागिता चाहिए ना, अभी जो मंत्री तो बन गए, विधायक विधान पार्षद मंत्री बन गए, जी, जी। अभी भी सत्ता में जो पार्टी वर्कर्स की सहभागिता चाहिए वो नहीं हुई है, वो नहीं हुई है जी। अब उसमें सिर्फ हुई क्या है जी? कि दूसरे दल से पाला बदल के आने वाले जो 7 विधायक हैं, बिल्कुल उनको बिल्कुल, मंत्री पद की सुख सुविधा मिल गई है, बिल्कुल। लेकिन पार्टी का आजकल फेहरिस्त में कई नाम है, नीलम देवी है, चेतन आनंद है, प्रहलाद यादव है, लेकिन अभी जो कार्यकर्ताओं को जैसे 20 सूत्री कमेटी होती है प्रखंड से लेकर राज्य स्तर तक में, फिर और कई विभागों की कमेटियां होती है, सभी कार्यकर्ता आस लगाए बैठे हैं, विभिन्न बोर्ड आयोग का गठन होना है, बिल्कुल। तो ये सब बाकी अब सम्राट चौधरी के लिए भी देखिए, पार्टी में तो बीजेपी दिलीप जायसवाल के लिए भी बड़ी चुनौती है, बड़ी चुनौती। अब वो कहा ना, देखिए एक तो संगठन भारी होता है सरकार से, ये एक समझ है, आपने देखा इसी बयान को लेकर यूपी में कोहराम मचा हुआ है, कि वहाँ केशव प्रसाद ने मौर्य ने बोल दिया। अब बिहार में भी अब एक कहीं ना कहीं दोनों में संगठन और सरकार में भी तो 2-in-1 थे, बिल्कुल, कि दोनों पद संभाल रहे थे सम्राट चौधरी, अब अध्यक्ष हो गए दूसरे, और पार्टी में अध्यक्ष की कुछ अहमियत अलग होती है। तो अब इसमें पार्टी में और सरकार में एक बेहतर तालमेल रखना, इसलिए कि दिलीप जायसवाल भी अभी राजस्व भूमि सुधार मंत्री हैं, उन्हें भी ये पद छोड़ना होगा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर जो फॉर्मूला चलता है वन मैन वन पोस्ट के तहत, दिलीप जायसवाल को इस्तीफा देना, बिल्कुल वो पद तो छोड़ना ही होगा, उनको पद छोड़ेंगे और फिर अभी तो देखिए 3-4 ऐसे मंत्री हैं जो 2-3 विभाग संभाल रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तब उसमें कुछ नए चेहरे को मिलेगा, अवसर मिल सकता है, जदयू में भी कुछ चर्चा जो हो रही है, तो अब संभव हो कि कुछ नए चेहरों को भी अवसर मिल सकता है। यानी कि आप कह रहे हैं कि नीतीश कैबिनेट का एक बार फिर से विस्तार हो सकता है, कुछ नए लोगों को अवसर मिलेगा। अभी विभाग तो कहने के लिए तेजस्वी 5 विभाग संभाल रहे थे, बिल्कुल हेल्थ, पथ निर्माण, निर्माण कार्य, सारे महत्वपूर्ण विभाग। उसी तरह से अभी मंगल पांडे जी के पास स्वास्थ्य है तो कृषि है, डिप्टी सीएम के नाते नहीं था वो विभाग, सिर्फ वित्त और वाणिज्य कर था, सम्राट चौधरी आज भी है, लेकिन विजय सिन्हा के पास भी 2 विभाग, बिल्कुल बिल्कुल जी। इसी तरह से नीतीश मिश्रा के पास भी उद्योग और पर्यटन भी है, अब कुछ नए लोग भी आस लगाए हुए बैठे हैं, कई नामों की चर्चा हो रही है। लोकसभा के चुनाव में तो एक चर्चा हुई थी ना कि राजपूत हाफ और यादव साफ, कैबिनेट विस्तार में चर्चा हुई थी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इस बार जो कैबिनेट में एकाध को यादव को भी जगह दी जा सकती है, तब ये सब कुछ जो अभी फेर बदल हुआ है संगठन में, प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं, तो मुझे लगता है कि चुनाव को ध्यान में रखकर पार्टी इन सब चीज पर विचार करेगी। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे अरुण जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा है कि दिलीप जायसवाल आते ही एक्शन मोड में आ गए हैं, आज बड़ी लिस्ट भी जारी की है, बड़ा आदेश निकाला है। पार्टी में एक ये सिलसिला रहा है, पहले भी जब सम्राट चौधरी आए थे अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने भी कहा था कि उस समय तो सरकार में थे नहीं, सरकार में बाद में ना आए, तो उन्होंने भी ये रही है, एक सिलसिला रहा है कि मंत्री जो है वो सहयोग कार्यक्रम करें पार्टी दफ्तर में, नियत होता है, तो उसी के तहत आज मैंने देखा कि नए प्रदेश जायसवाल ने भी लिस्ट निकाल दी। दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर को आवास पर भी कहा है कि आप लोगों से मिलिए, ये सहयोग कार्यक्रम है कि जो लोग जरूरतमंद लोग हैं जिसको सरकार से अपेक्षा है वो आकर अपनी समस्या बतावे और समाधान। इसी तरह से आज ही वो ठीक ही कहा आपने कि भाजपाई मंत्रियों को आज एक टास्क मिल गया है कि भाई आप ऑफिस में बैठना होगा, आपको लोगों से मिलना होगा, आपको परेशानियां सुननी। प्रधानमंत्री ने अलग दे रखा है पार्टी के सारे सांसद विधायक नेताओं को कि भाई आप जनता के बीच में पीपुल्स कनेक्ट बढ़ाइए, नहीं तो नुकसान झेलना पड़ता है, बूथ को मजबूत कीजिए जी। तो अभी सब कुछ दिलीप जायसवाल को तो करना ना होगा, करना पड़ेगा। अच्छा, हमने ये भी देखा था कि कुछ दिनों पहले बीजेपी ने भी एक लिस्ट जारी की थी, मुख्य सचेतक की लिस्ट, संजय जायसवाल, गोपाल जी ठाकुर, बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। हाँ, संजय जायसवाल नहीं,
जी उसमें तो हुए ही हैं दोनों हाउस के सचेतक बने हैं संजय जायसवाल जी, दोनों हाउस में हुआ है ना। वह संजय जायसवाल तो लोकसभा में बने हैं मुख्य सचेतक, अब वो मतलब है कि सरकार में जगह नहीं मिली तो मुख्य सचेतक बनाने के बाद उनको मंत्री की सुविधा दे होती है जी। उसी राज्य में यहाँ कोई जो सत्तारूढ़ दल का मुख्य सचेतक होता है उसको कैबिनेट मंत्री का, उप मुख्य सचेतक होता है उसको राज्य मंत्री का, और जो सचेतक बनाए जाते हैं सभी गोपाल जी ठाकुर सचेतक बनाए हैं, सारे लोग गोपाल जी ठाकुर, फिर उसी तरह से वो आपको बुचौल बनाए गए हैं, तो सब लोग को उप मंत्री का सब कुछ मिलता है। बिल्कुल जी। एक राज्य में यही स्थिति है, केंद्र में भी संजय जायसवाल को एक दायित्व मिला है और वहाँ उसके हिसाब से उनका वहाँ अलग चैम्बर होता है वो सरकार की, यानी कि बीजेपी अब लिस्ट पर लिस्ट निकाल रही है। संगठन में लोगों को तो करना ना हो, देखिए संगठन वाली पार्टी है वो जी, और जो पार्टी का है कि भाई 10 करोड़ हमारे मेंबर हैं और अब फिर तो सक्रिय सदस्य बनाने का सदस्यता अभियान के लिए। अच्छा अरुण जी, आपको क्या लगता है क्या आने वाले दिनों में बीजेपी में और भी इसी तरह से बड़े बड़े बदलाव होंगे? अब बदलाव क्या, देखिए संगठन में कुछ अभी एक तो नई टीम बनेगी दिलीप जायसवाल, तो उसमें कुछ कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी की टीम में जो लोग थे उसमें कुछ ना कुछ हेर फेर होना ही है। अपनी टीम जैसे सम्राट चौधरी ने बनाई तो उसमें टीम में कुछ बदलाव, निश्चित बदलाव होगा, ये तो होता ही है। हर बार कोई प्रदेश अध्यक्ष बनता है तो वो कमेटी नहीं बनती है, अपना कॉम्बिनेशन इक्वेशन कास्ट सब कुछ कंसीडर मद्देनजर रखा जाता है। अब सीमांचल से हो गए तो सीमांचल से की बजाय पूरे बिहार 38 जिले ने देखने हैं, तो कुल मिला जुला कर सब कुछ होगा, बदलाव तो होगा ही। चलिए एक आखिरी सवाल है अरुण जी मेरा आपसे, हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस फैसले का बीजेपी को कितना लाभ मिलने जा रहा है दिलीप जायसवाल पर? मैंने कहा जैसे देखिए इस चुनाव में लोकसभा के चुनाव में एक और खास बात देखने को, चाहे राजद हो चाहे वो बीजेपी हो या जदयू हो, सबके जो कोर वोटर्स हैं उसमें सेंध मारी हुई थी सबके कोर वोटर्स में से। तो अब इस बार एक तो जो बेस मतदाता है उसको एकजुट रखना, बिल्कुल उनकी नाराजगी, और फिर पिछड़ों में पैठ और बढ़ाना। अब भी अगले भी तो अभी लालू विरोध जो संबंध, हालांकि लालू प्रसाद बैठे नहीं है, इस बार वो भी A to Z वाला अभियान चलाएंगे, कुशवाहा को साधेंगे, तो कैसे इसको इनकाउंटर NDA मिलकर जदयू के साथ लोग करेंगे, ये चुनौती है। और ये चुनाव का साल है दिलीप जायसवाल के, जैसा मैंने बताया आपको अध्यक्ष के रूप में, और सम्राट चौधरी को विधानमंडल दल के नेता और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में, ये चुनावी साल ही इसको मानिए। लोकसभा का चुनाव तो हो गया, विधानसभा का चुनाव होना है नवम्बर 2025 में। अब इन दोनों को मिल करके बिहार में न सिर्फ अपने पार्टी की NDA के लिए कि फिर ये सरकार NDA की बने, जैसे 2020 के चुनाव में जदयू और NDA ने बीजेपी ने मिलकर तो बहुमत मिला था ना, जी, 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 जी। अब उस तरह से इस चुनाव में भी, अब चिराग भी पिछले चुनाव में दूसरा फैक्टर बने थे, बिल्कुल इस बार चिराग भी साथ, चिराग भी साथ हैं, मांझी भी साथ हैं, उपेन्द्र कुशवाहा साथ हैं, तो कुल मिला जुला कर ये जो बड़ा कुनवा बना है सबको अपना जलवा दिखाना है, सबको अपना जलवा दिखाना है। तो देखना होगा कि आगे आगे और क्या क्या होता है। तो ये फिर पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।